पहले से लेके जाते हैं, इसको मत लेके जाइए, अनलिमिटेड स्कोर को लेके जाइए। दूसरी चीज, आप ये चीज देखिए कि जो आदमी का एक कंफर्ट जोन होता है कि मान लीजिए कि किसी का 580 का स्कोर एयर पिस्टल के अंदर करने का ये है कि मैं 580 का स्कोर करूंगा, और मान लीजिए कि 5 कार्ड हो गए हैं और उसके 20 पॉइंट्स ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो अभी लास्ट कार्ड अगर वो 100 मारता है तो उसका 580 बनता है ऐसा शूटर। अब क्या हो गया कि अब एक एक पॉइंट के लिए वो फाइट करेगा, क्योंकि अब उसके पास माइनस करने के लिए कुछ नहीं बचा है, वो ऑलरेडी 20 पॉइंट अपने माइनस कर चुका है। तो यहाँ पे जाकर के वो क्या करता है, एक शूटर होता है कि वो 89 का कार्ड मार देता है, इतना प्रेशर में रहता है कि अब माइनस करने को कुछ नहीं बचा है, और एक शूटर क्या करता है 99 का कार्ड मार देता है, एक ही पॉइंट माइनस करता है 10 शॉट के अंदर, 99 का मारता है और 579 बना लेता है। एक शूटर क्या कर देता है 89 का कार्ड मार देता है, 90 भी नहीं पकड़ता, इतना डिप्रेशन में आया था। दोनों शूटरों में क्या फर्क है, आप कुछ सोचिए इसके बारे में। एक शूटर जो है वो मैच के लिए प्रिपेयर है, उसको पता था कि मैच में ऐसा हो सकता है, और एक जो था वो अपना प्लानिंग लेकर के नहीं गया कि मेरा साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो आपको ऑन डिमांड स्कोर कैसे करना है वो भी आना चाहिए, और ऑन डिमांड नहीं आता है तो उसको सीखना चाहिए, उसको फिर इतना बड़ा बर्डन दिमाग पे सिर पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। मैच फ्री जाइए एकदम से, जो 580 वाला जो लास्ट कार्ड के अंदर 20 पॉइंट माइनस करने के बाद जो एक एक पॉइंट के लिए लड़ाई लड़ता है, वो आप पहले पॉइंट से लड़ाई लड़ना शुरू कीजिए, ना कि 20 पॉइंट माइनस होने के। 20 पॉइंट किसके लिए दिए भाई, किस खुशी के अंदर 20 पॉइंट तक आपको बिल्कुल भी आग नहीं लगी, 20 पॉइंट माइनस होने के बाद आप जो है वो चार्जअप होते हैं, नहीं ये गलत है। 20 पॉइंट किसी भी खुशी में नहीं देना है। ये बात मेरे को स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गगन नारंग से मेरी बात हुई थी, स्कोर के बारे में बात चल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत है, ये चीज अपने दिमाग में लेकर के कभी भी नहीं चलना है कि मेरे को इतना पॉइंट मेरा का स्कोर करना है तो इतना माइनस हो जाए तब तक तो ठीक है, इसके आगे मैं नहीं होने दूंगा। तो उसके आगे अगर हो गए तो क्या करोगे, उसके आगे के लिए तो आप प्रिपेयर ही नहीं हो। इसलिए पहले पॉइंट से ही आप लेके चलिए, पहली गोली से ही आप लेके चलिए कि मेरे को पहली गोली ही मतलब मेरी सही चलानी है और आखिरी भी सही चलानी है, एंड तक मेरे को एकदम उसी तरीके से जाना है। ये पॉइंट आ गया। उसके बाद में एक और चीज बताऊंगा मैं कि चेंज ऑफ ऑल बिहेवियर पर्सनल एंड स्पोर्ट्स। मैच से पहले क्या होता है, कई शूटर्स को मैंने देखा है, आज के दिन भी वो इंडियन टीम के अंदर हैं, अच्छे पुराने एलीट शूटर्स भी हैं, मैच के पहले दिन और मैच वाले दिन उनका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है। मैच से पहले पूरा एकदम खूब बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, मस्त मौला एकदम, और मैच वाले दिन एकदम वो जादू बन जाएंगे, पूरा अपने आप को छुपा करके काला चश्मा लगा के, किसी से आई कांटेक्ट नहीं, कोने खोपचे में घूम रहे हैं, और मैं तो बस मैच करना है। मैच हो गया उसके बाद एकदम वैसे के वैसे वापस। ये भी करने की जरूरत नहीं है कभी, अगर आप जैसे हैं वैसे रहिए। सबसे अच्छा तो है कि कम बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात, आपकी एनर्जी बचेगी, थॉट्स कम आएंगे दिमाग के अंदर, थॉट्स को बचाना बहुत जरूरी है। तो कोशिश यही करें कि साइलेंट रहें, लेकिन जैसे रहें वैसे रहें, ऐसा नहीं है कि मैच वाले दिन आप एकदम से मौनी बाबा बन गए और मैच से पहले आप एकदम से खूब बोलने वाले और हंसमुख आदमी थे, जैसे हैं वैसे रहे, इसको चेंज नहीं करना है। कंफर्ट जोन, इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि कंफर्ट जोन, जैसे कि एक आदमी का 580 का कंफर्ट जोन है तो वो कंफर्ट जोन तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका 585 जाने लगता है, कि मान लो कि 580 जिसका कंफर्ट जोन है, जिसको लगता है कि मैं 580 का स्कोर कर सकता हूँ, वो आदमी लास्ट अगर 5 शॉट 9 भी मारता है तो 585 बन रहा है। अब उसके साथ में क्या होगा, जो आदमी इतना अच्छा मैच खींच करके लेके आया है और 5 शॉट लास्ट के 9 मारने से भी 585 बन रहा है, अब वो आदमी आखिरी में क्या करता है, 7 8 9 8 7 गया, 76 77 के ऊपर क्या हो गया उसको। अब क्या है कि लास्ट के 5 शॉट उसके बिल्कुल दिमाग सेंटर में नहीं था, उसको उसने सिर्फ गिनती गिनते हुए चला, आर्यभट्ट का पोता बन गया वो उस टाइम पे, वो सिर्फ गिनतियां गिन रहा है कि मेरा ये 9 लग जाए तो इतना हो जाएगा, 2 9 लग गए तो इतना होगा, 5 में से 2 भी 10 लग गए तो 87 हो जाएगा, वो गिनती गिन रहा है, और उसकी बॉडी जो है वो ऑटो मोड पे आ गई है और वो बिल्कुल एक्ट कर रही है वैसे ही, उठा रहे हैं शॉट चला रहे हैं लेकिन दिमाग बिल्कुल सेंटर में नहीं है, साइट कैसी है, ट्रिगर कैसा चला रहा हूँ, बॉडी मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्रिप पे प्रेशर कितना हो गया, वो सब भूल गया, बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है। तो ये सब चीजें होती हैं मैच के दौरान, तो इन सब चीजों से भी बचना है। कोई कंफर्ट जोन लेकर के मत चलिए कि मेरा इतने का स्कोर होना चाहिए, मैं इतने का शूटर हूँ, इतने का भी शूटर नहीं,
मैं सिर्फ मैच में अपने आप को टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ कि मैंने जो सीखा है क्या मैं उतना मैच में कर सकता हूँ, और मैं कितना बढ़िया आर्टिस्ट हूँ कि जो पीछे लोग देख रहे हैं उनको मैं कितना अच्छा गेम दिखा सकता हूँ, कितना अच्छा निशाना लगा के मैं उनको दिखा सकता हूँ। दैट्स इट, मुझे ये दिखाने के लिए वहां जाना है, ना कि मैं कि कुछ प्रूव करना है या मैंने कोई तमगे तोड़ रहे हैं। नहीं, जिस दिन आप तमगे के लायक बनेंगे, तमगा अपने आप दूसरे लोग गले में डालेंगे। अपने आप को आज तक तमगा गले में नहीं डाला है, दूसरे ही डालते हैं, लेकिन उसके लायक बनना है। वही चीज मैंने बता दी, व्हाट इज चेंजिंग इन मैच। मैच में क्या बदल जाता है? कुछ नहीं बदलता है, सेम वही सब चीजें रहती हैं। वैसे जो मैंने फट्टे वाला एग्जांपल आपको दिया है वो सब वैसा का वैसा ही है, सिर्फ दिमाग के अंदर थॉट्स बदल जाते हैं, नजरिया बदल जाता है अपना देखने का। तो नजरिया नहीं बदलना चाहिए, जैसा प्रैक्टिस में है आप वैसा ही मैच में रहिए। उसके बाद में क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं मैच के दौरान, अपने शूटिंग के ड्यूरिंग मैच में या किसी भी टाइम पे लाइफ में अलग अलग तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैं मेरा पहला एक एक्सीडेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2009 में कोरिया वर्ल्ड कप, मेरा पहला वर्ल्ड कप था सीनियर के अंदर, और हम लोग रात को लेट नाइट पहुंचे, और टाइमिंग का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस की वजह से हमें मुझे ये लग रहा था कि रात को 2 बजे पहुंचे हैं, कल पूरा दिन रेस्ट करना है और उसके अगले दिन मैच है। लेकिन कुछ वो टाइम डिफरेंस और कुछ रात की वजह से हुआ क्या कि वो टाइम तो वहीं खत्म हो गया, और जो रात को 2 बजे पहुंचे थे वो रात हमारी आखिरी थी, और उसके अगले दिन मॉर्निंग में ही 8 बजे मैच था कोरिया के अंदर। तो सो गए आराम से, और ये एक अच्छी आदत थी कि अगले दिन प्रैक्टिस सोचा था मैंने तो, लेकिन फिर भी एक बींग ए फौजी ये आदत होती है कि अगले दिन जो करना है वो रात को रेडी करके सोते थे। तो मेरा शूटिंग का किट वगैरह, बैग वैग पिस्टल वगैरह सब रेडी था, और सो गए आराम से। अगले दिन सुबह मेरे पास अराउंड 7:15 के आसपास लैंडलाइन पे कॉल आता है रूम में, और आवाज़ सुनते ही मेरे फ्यूज उड़ गए। आवाज़ थी अपने नेशनल कोच थे, द्रोणाचार्य अवार्डी प्रोफेसर सनी थॉमस सर, जो कि करीब 20 साल से भी ज्यादा इंडियन टीम के कोच रहे हैं, उनकी आवाज़ थी। और फोन उठाते ही कोई गुड मॉर्निंग का तो बिल्कुल दिमाग से आउट हो गया। मैं बोला सर, बाबा कहाँ है? मैंने कहा सर रूम में, क्या करता है? मैंने कहा सो रहा हूँ। बाबा तुम्हारा मैच स्टार्ट होने वाला है। मैंने कहा सर कल है मैच, तो वो वाला कल आज हो गया, वो अभी तुम कितना टाइम में आ सकता है? तो मैं कुछ नहीं बोला, फटाक से फोन रखा, रजाई फेंकी, बाथरूम में गया, पानी फटाफट मुंह पे मारा, बैग उठाया, जूते फंसाए, जो ड्रेस में सोया था वो ही सोया, ठंड थी बाहर तो एक जैकेट डाली और हैंडबैग लेकर के नीचे निकला, रिसेप्शन पे गया, टैक्सी वाले को बोला, रेंज का कार्ड दिखाया कि ये एड्रेस पे जाना है, भागा पहुंचा। जैसे ही रेंज के अंदर घुसा तो प्रिपरेशन टाइम तो पहले मिलता ही नहीं था, प्रिपरेशन एंड साइटिंग टाइम वो एक साथ ही मिलता था, साइटर का टाइम मिलता था, सॉरी साइटर स्टार्ट हो गए थे और कई लोगों ने स्टार्ट कर लिया। तो मैं गया जा करके पिस्टल वगैरह सब लगाई, रेडी किया, और 2-3 मिनट होल्डिंग किया, उसके बाद साइटर चलाए और थोड़ा सा शांत हुआ। फिर सनी सर पीछे से आए, आकर के बोले कोई बात नहीं बाबा, लेट हो गया लेकिन अभी आराम से मैच करो। मैंने कहा सर ठीक है, कोशिश करता हूँ। बोला कोई बात नहीं, लेट हो गया लेकिन मैच से पहले तुम आ गया, नो प्रॉब्लम। अब मुझे ये टेंशन थी कि इतना गलत डिसिप्लिन, एक वर्ल्ड कप में जा रहे हो और मैं तो पहला ही वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था सीनियर कैटेगरी के अंदर, और मैंने कहा लगी वाट मेरी, तो अगले बार अगले वर्ल्ड कप में पता नहीं नाम होगा कि नहीं होगा। तो मैच स्टार्ट किया, साइटर निकल गए, मैच स्टार्ट किया, मैच में बढ़िया 96, 97, 98 के कार्ड लग रहे हैं, और मैंने अपना इंटरनेशनल का पर्सनल बेस्ट स्कोर मारा 581, और फाइनल में था। तो फाइनल में होने के बाद में जो मुझे डांट पड़ने वाली थी, जो फाइनल में आने की, जो लोग मेरे से 1 घंटा पहले पहुंचे हुए थे वो फाइनल में नहीं आए, मैं फाइनल में आ गया, तो पेट में था, तो मेरे पे जो डांट पड़ने वाली थी उससे मैं बच गया। लेकिन मेरे को ये बोला गया कि अभी फाइनल ठीक से खेलो। मैंने कहा ठीक है, फाइनल में आ गया, फाइनल खेला, तो मैंने 6th पे फाइनल फिनिश किया, और जैसे फाइनल 10 शॉट का होता था, 10 शॉट खत्म हो गया, मैं पीछे आने को आया तो मेरे को सब लोग वापस बोल रहे कि वापस जाओ वापस जाओ। मैंने कहा वापस क्यों जाऊँ, क्या हो गया? तो मैंने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा तो मेरा 6th पे नाम आया, और मैंने कहा ठीक तो है, खत्म हो गया, अब क्या है? फिर भी बोले नहीं वापस, ऐसे इशारा कर रहे। तो मैंने वापस जा करके देखा तो मेरे नाम के आगे और एक दूसरा शूटर था, जो उसका नाम भी हम दोनों के आगे शूट ऑफ लिखा हुआ, मतलब हम दोनों का टाई हो गया 6th और 7th प्लेस के लिए। तो मैंने सोचा कि हाँ अच्छा, इसलिए ये लोग मेरे को वापस भेज रहे हैं। वापस आ गए, तुरंत एक शॉट लोड करवाया, उसने उठाया, आते ही फायर कर दिया। अब मेरे को तो पहला, मेरा वर्ल्ड का पहला फाइनल और शॉट निकले ना,
और मैं तो बहुत लॉन्ग होल्ड करके, मतलब लगभग 1 मिनट होल्ड करके मैं शॉट चलाता था उस टाइम पे, मेरी बड़ी अजीब टेक्निक थी। तो और सामने दीवार के ऊपर टारगेट के जस्ट पीछे जो डिजिटल वॉच होती है वो लगी हुई थी, तो मेरे को काफी देर हो गई, मेरा हाथ भी अभी दुखने लग गया, मेरा शॉट निकल नहीं रहा। अब मैं निकल कहाँ से रहा, मैं प्रिपेयर ही नहीं था उस टाई शॉट के लिए, दिमाग में कुछ और ही चल रहा कि यार ये टाई कहाँ से होगी। और जो शूटर को देखा वो काफी एक्सपीरियंस, काफी मेडलिस्ट था, काफी नाम था उसका, रशियन था। तो मैं लगभग 60, 62, 63, मेरी साइड से नजर हट गई, पिस्टल हाथ उठा रखा, लेकिन नजर दीवार पे की जो वॉल पे क्या वॉच लगी हुई थी, वॉच के ऊपर थी, तो उस पे एकदम सेकंड की सुई अपने आप पॉइंट चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। जब 70 पे आ गया तब मुझे लगा कि जहां भी हो फायर करो उसको, तो ऊपर वापस लेके गया, वापस लेकर के आया और आते ठाक से फायर हो गया, एकदम ऑटो मोड गया। शॉट लगा 10.5 और उस शूटर का लगा था 9.2, मैंने वो टाई जीती। उसके बाद मैंने इसी से ये एक एक्सपीरियंस किया कि एक्सीडेंट ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ कभी भी हो सकता है, कैसे भी मैच के साथ हो सकता है कि मान लो आपका चाहे नेशनल हो, स्टेट हो, इंटरनेशनल हो, चाहे ओलंपिक हो, ऐसा हो सकता है, बाई मिस्टेक ही होता है ऐसा, तो ऐसे में भी घबराना नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल है कि यूएसए वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग एक शूटर था, रिजबॉन शायद जर्मनी का है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, उसकी राइफल गिर गई वर्ल्ड कप से पहले, राइफल गिर गई और कुछ पार्ट ब्रोकन हो गए। अब क्या करेगा वो, इतना सीनियर शूटर, ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन, उसकी राइफल गिर गई तो उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैच, अच्छा खेलना, मैच निकल गया। तो उसने क्या किया, अपने टीम के दूसरे शूटर की राइफल बोरो की, उससे मैच किया, गोल्ड मेडल लेके निकल आया और उसको राइफल दी और बोला थैंक यू। क्या ऐसा मेंटल टेम्परामेंट हमारे अंदर, हमारे साथ में, हमारे पास में है? क्या बदला? कुछ नहीं, वो चलाने वाला शूटर होता है, ट्रिगर आपने चलाना है, साइट को आपने अलाइन करना है, ना कि गन ने करना है। गन का एक लिमिट तक रोल है, लेकिन उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है कि राइफल या पिस्टल दूसरे की होगी तो आप जो है बिल्कुल ही हिम्मत हार जाओ वहां पे, उसके आगे आप मैच ही नहीं कर सकते, उसके आगे मैच खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कई बार आप चश्मे भूल जाते हो, कई बार किसी ने कोई ग्लव्स भूल गया, किसी का जूता रह गया, तो ये सब चीजें भी इतनी बड़ी नहीं है। मेन सबसे इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे दिमाग के अंदर है, आपकी टेक्निक आपके दिमाग के अंदर है, आपके पास सिर्फ पिस्टल और गोली है और आप खुद स्वस्थ हैं, तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो ना होने की वजह से आप अपना मैच एक पॉइंट भी डाउन करें। ये सब चीजें आपको एक सहायता देने के लिए, एक किसी एक टेन को मारने के लिए आसानी प्रदान करती हैं, ना कि ये जरिया है। एक शूटिंग शूज, पिस्टल वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, शूटिंग शूज या जो चश्मा लगा लिया या जो आयरिस लगाया है या और कोई भी चीज आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो या कैप लगा रहे हैं कई लोग, तो कोई चीज भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके आगे बिल्कुल लाइफ खत्म है, मैच खत्म हो गया, आप तो मैच कर ही नहीं सकते, मेरे तो आज कैप नहीं है। कई लोग तो इतने पागल हैं कि सामने एक छोटी सी डायरी या कोई फोटो रखते हैं छोटी मोटी, वो फोटो भी अगर घर पे भूल गए तब भी उनकी वाट लग जाती है कि नहीं आज तो गया मैच, मेरे तो फोटो रहेगी, इसको देख के तो मैं खुश होता। तो इतना भी अपने आप को इमोशनल या इतना कमजोर नहीं बनाना है। इमोशन कैन ब्रेक यू, इमोशन कैन मेक यू। इमोशन आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। किस चीज में कितना इमोशन रखना है, वो इमोशन कहाँ काम आएगा या आपके नहीं आ रहा है, वो आपने डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूं, अभी किसी के सवाल हो तो मैं ले सकता हूँ। कोई भी पार्टिसिपेंट्स कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं अगर सर से, तो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, सर उनको ले सकते हैं। डाइट के रिगार्डिंग एक मेरे पास में सवाल आया है, शुभम सारिन, डाइट एंड एक्सरसाइज शेड्यूल। एक्सरसाइज शेड्यूल ये है कि एक्सरसाइज का शूटिंग के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, और ये भी नहीं कह सकते एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप बॉडी के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप कीजिए। डोले बनाने की, मेरे भी बहुत शौक था डोले बनाने का, लेकिन कभी नहीं बना पाया, क्योंकि जब भी जाके जिम में ज्यादा वेट उठा के मारता था अगले दिन पिस्टल कांपती थी, तो वो सब एक्सरसाइज अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए स्ट्रेंथ। तो एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए, रनिंग कीजिए, पुशअप्स कीजिए, चिन अप कर लीजिए, और कोर की सबसे ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। कोर आपकी बॉडी का सेंटर है, वो आपकी आपको स्टेबिलिटी देता है, खड़े होकर के फायर करने वाले जितने भी इवेंट हैं उन सब के अंदर आपके पेट का स्ट्रोंग होना, आपका कोर मजबूत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हाथ का कमजोर होना 1% चल भी जाएगा, लेकिन आपका अगर पेट में जान नहीं है, आपके एब्स ठीक नहीं है, एब्स ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि टाइगर श्रॉफ की तरह आप बना करके रखोगे तभी होगा,
उसकी जरूरत नहीं है। मोटे पेट वाला भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रख सकता है, ठीक है। तो पेट की स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, पेट की एक्सरसाइज करें, और शोल्डर की और पैरों की, खड़े होने की, आपके पैर आपके पिलर हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, तो इनकी स्क्वाट कर सकते हैं इनके लिए। तो ये सब मोटी मोटी एक्सरसाइज हैं जो कर सकते हैं, लेकिन हल्के वेट से ज्यादा रिपीटेशन के अंदर आप अपने आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ना कि कम। डाइट की रिगार्डिंग ये है कि सात्विक डाइट होनी चाहिए, सादी सिंपल डाइट होनी चाहिए, कम मिर्ची मसाले की, और ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म, ऐसी डाइट होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन तो पूरा दे, लेकिन शूटिंग हमारा गेम ऐसा है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, फिजिकल भी और मेंटल भी। आप अगर मिर्ची खा करके आप सोचेंगे कि मैं एकदम योग कर लूं और बाबा बन जाऊं और अपने दिमाग को शांत रखना, तो नहीं हो सकता है। चटपटा खा के, मीठा खा के, इमली खा करके आप ये सोचें कि मैं एकदम शांत रखूं दिमाग को, नहीं हो सकता कभी भी। उसके लिए चने ही चबाने पड़ेंगे। तो स्प्राउट के ऊपर ध्यान दें, उसके अंदर आप अनाज ले सकते हैं कई तरह के, मूंग, मोठ, चने, मूंगफली, इस तरह के। उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, नट्स डालो कई तरह के, बादाम डाल लें, किशमिश डाल सकते हैं, गर्मियाँ चल रही हैं मुनक्का डाल सकते हैं, ये होनी चाहिए। रोटी और सब्जी, सब्जी के अंदर भी रेड मिर्ची बिल्कुल भी हटा दीजिए, ग्रीन चिली डालिए उसके अंदर, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं सर्दियों के अंदर, ये सब चीजें खा सकते हैं। चटपटा या स्पाइसी किसी को ज्यादा पसंद है तो मेरे ख्याल से शूटिंग के अंदर लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। एक लेवल पे चल जाता है, लेकिन एक टॉप लेवल पे जाने के बाद में आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। मैंने कई साल तक छोड़ी है, आप नहीं कर सकते। दलिया खाइए, ओट्स खाइए, प्रोटीन वाली डाइट लीजिए, लेकिन और दूध दही घी मक्खन दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी चटपटी, इन द सेंस कि तामसिक वाली, जो भी तामसिक क्या होता है वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, तामसिक फूड बिल्कुल नहीं चलेगा, लंबा टिकना है तो सात्विक फूड होना चाहिए और क्वेश्चन और आया था यहाँ पे। ओपी सर, इधर कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं जैसे क्वेश्चंस में कि एक तो एज का कुछ क्राइटेरिया रहता है क्या, जैसे 40-50 साल के लोग भी अगर चालू करना चाहे शूटिंग एज अ प्रोफेशन तो कर सकते हैं क्या? और दूसरा क्वेश्चन जो नॉर्मली आ रहा है वो ये है कि 10 शॉट्स में एक दो शॉट्स अगर गलत चले जाए तो नर्वसनेस आ जाती है, जैसे टेम्परामेंट की आपने बात करी, तो बाकी शॉट्स अच्छे जा रहे हैं, एक दो शॉट में अगर खराब चले जाए तो उसको कैसे रिकवर करना है? राइट, ये इधर एक यही सेम सवाल है, रिया का ये सवाल है। माय क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल 1 or 2 बैड शॉट इन ए सीरीज ऑफ 10 शॉट्स व्हेन अदर शॉट आर परफेक्ट। बिल्कुल सही है ये सवाल। क्या होता है कि एक या दो शॉट खराब चले जाते हैं, चाहे पहले खराब जाए या चाहे आखिरी में खराब जाए चाहे बीच में जाए, ये एक या दो शॉट ही खराब जाएंगे और कार्ड आपका वहीं पे आकर ये बनेगा। अगर आप 95 का कार्ड मारते हैं तो 95 पे आके अटकेगा, चाहे आप लास्ट के 7-8 मारो, चाहे फर्स्ट के 7-8 मारो, चाहे 5th या 6th 7-8 मारो, कार्ड वहीं आना है घूम फिर करके। तो इसके पीछे क्या होता है कि हमारा एक कम्फर्ट जोन बन गया है। और अगर मैं एक दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो आदमी का एक वो हो जाता है ना, अपना एक, हम अपनी एक वैल्यू लगा लेते हैं कि मैं इतने का शूटर हूँ, मेरा इतना ही दम है कि मैं 95 का कार्ड मार सकता हूँ, तो वो 95 पे आएगा, चाहे वो 8 मारे, चाहे वो 6-10 मारे, चाहे वो 8-10 मारे, वो आएगा 95 पे घूम फिर करके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो अपनी हमने वैल्यू लगा ली है कि मैं 95 का शूटर हूँ, 95 का कार्ड मैं मार सकता हूँ, वो हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। वो ब्रेक करने के लिए उसके लिए क्या एक्सरसाइज हैं अलग अलग। आप बिना 10 के, मैं जिनको भी नए सिरे से शूटिंग शुरू करवाई है, मैं 6 महीने तक उनको टारगेट ही नहीं देता हूँ फायर करने के लिए।
बिना टारगेट के फायर कीजिए। पहले शॉट चलाना तो सीखिए, उसके बाद 10 लगेगा ना, निशाने पे तो बाद में लगेगा। पहले आप पिस्टल पकड़ना, उसको उठाना, उसको एम लेना, अलाइनमेंट लेना, प्रिपेयर करना, ट्रिगर को ऑटो मोड पे फायर कैसे होता है, वो सब चीजें बॉडी के अंदर हैबिचुअली आने दीजिए। वो आपका हैबिचुअल एक्शन बन जाना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। उसके बाद जाकर के आप टारगेट लगाइए, और टारगेट पे फायर करने का हक आपको तब मिलता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। व्हाइट टारगेट, टारगेट जो पेपर आता है, पेपर को उल्टा लगा करके अगर ये उंगली घुस जाए, इतना बड़ा छेद आप 10 शॉट्स का बना देते हैं, तब जाकर के आप टारगेट को सीधा कीजिए, उससे पहले सीधा करने का मतलब ही नहीं है। तो आप अगर उल्टे पे व्हाइट के ऊपर सेंटर में एम लेकर के फायर करते करते अगर आप इतना सा छेद बना देते हैं, तब आप समझिए कि आपको शॉट चलाना आ गया है, उसके बाद आप उसके ऊपर आइए। पहले आप ये, इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को बड़े स्कोर के लिए अभी तक प्रिपेयर ही नहीं किया, बड़े स्कोर के लिए आपने ट्रेनिंग ही नहीं की। तो बिना ट्रेनिंग किए हुए ही आप क्या करते हैं कि अपने आप से उम्मीद लगा लेते हैं, और दमखम लगा करके जैसे भी जोर जबरदस्ती आप 8-7 शॉट ठीक मार लेते हैं, लेकिन 1-2 शॉट वो जो बाहर चले जाते हैं, वो आपकी काबिलियत की वजह से नहीं जा रहे हैं, आपके दिमाग की वजह से जा रहे हैं। आप दिमाग से प्रिपेयर नहीं हो वो बड़ा स्कोर मारने के लिए, तो उसको यहाँ से प्रिपेयर करना है पहले अपने आप को। यहाँ से प्रिपेयर हो गए तो बड़ा स्कोर भी आएगा। हाँ, दूसरा एज का एक सवाल था, 50 ईयर ओल्ड हूँ उसका रिलेटेड। अभी मैं आपको बता, 74 ईयर ओल्ड एक बंदे ने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लिया है। तो सारे सवाल एज से रिलेटेड खत्म हो गए। अगर आपकी बॉडी ठीक है और आपका दिमाग ठीक है और आपके अंदर एक आग है, जो बोलते हैं क्रेज है करने का, करेज आपके अंदर है करने का कि नहीं मेरे को करना है, किसी भी उम्र के अंदर आप कर लेंगे, चाहे 100 साल उम्र हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज का इसमें वैसे रूल के अकॉर्डिंग भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि इतनी एज में नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी आपके सामने एग्जांपल है, 74 ईयर ओल्ड बंदे ने ओलंपिक का गोल्ड मेडल लिया है। तो एज का नो रोल, सिर्फ बॉडी दिमाग फिट रखिए और आपके अंदर लगन होनी चाहिए, कोई भी कर सकता है। और कोई क्वेश्चन? शूटिंग के दौरान अगर हाथ कमजोर है तो क्या, एक तो कमजोर क्या होता है कि एक तो वैसे ही कमजोर है कि आपने अपने अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं किया। दूसरी कमजोरी क्या होती है, कई बार मैच के दौरान ये होता है कि लोगों के हाथ ऐंठने शुरू हो जाते हैं, उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, क्रैम आने शुरू हो जाते हैं। ये क्या चीज है ये? फील होती है मैच के दौरान, वो इसलिए आती है कि वो इतनी एंजाइटी आ जाती है, इतना डर अंदर बैठ जाता है, वो खराब शॉट ना चला दूं, बैड शॉट्स ना चला जाए, उसके चक्कर में उसकी वजह से हाथ पैर वीक लगने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि पैर मेरे हिल रहे हैं। और उसके अलावा ग्रिप इतनी टाइट है, कई बार ऐसा लगता है पिस्टल निकल के पड़ जाएगी, कई बार अपन लगता है ग्रिप को निचोड़ के जूस निकाल देंगे ग्रिप का, इतना टाइट पकड़ जाते हैं। वो सब एंजाइटी, वो सब फियर है आपका, डर है, वो कुछ भी नहीं है इसके अलावा। उस डर को भगाइए, उसके बैठ कर सोचिए कि भाई किस बात का डर है, खराब लगने का डर है ना, ठीक है लगने तो कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है, अगला नहीं चलाऊंगा, ये नहीं चलाऊंगा। कब खराब लगेगा? जब चलाओगे तब लगेगा। तब तक खराब नहीं लग सकता जब तक आप चलाओगे नहीं। आप खराब चलाते हो, आप खराब शॉट चलाते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सही शॉट चला रहे हो और खराब लग रहा है। नहीं, खराब चलाते हो इसलिए खराब लगता है, और उस खराब को आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं ठीक है, ये यहाँ चलाऊंगा तो 9 लग रहा है तो मेरे को मंजूर है, चलो ठीक है चला देता हूँ, तब वो जा करके 8 लगता है। आपने 9 के लिए प्रिपेयर किया उसको, आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी टेक्निक से, अपनी साइड से कॉम्प्रोमाइज किया, अपने ट्रिगर से कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी ब्रीदिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तब जा करके शॉट खराब लगता है, ऐसे खराब नहीं लगता है। और कोई क्वेश्चन? लॉकडाउन के ड्यूरिंग होल्डिंग का सिंपली एक आपको फंडा बताऊं मैं, जितना बड़ा ये पेन है इतनी बड़ी ब्लैक लाइन आप दीवार के ऊपर खींच दीजिए। फर्स्ट में आप अपनी साइट को लेके आइए, यहाँ पे साइट को मिलाइए इसके ऊपर ऐसे, ट्रिगर को दबाते हुए नीचे की तरफ लेके आइए, और जैसे ही आपका इसके नीचे आ जाए ट्रिगर खत्म हो जाना चाहिए। ट्रिगर, इसका कोऑर्डिनेशन मैं आपको बताता हूँ, साइट, ट्रिगर और एमिंग, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, कि आपकी साइट
बिल्कुल परफेक्ट रहे, और आप इसके साथ में साइट के साथ में साइट को सही रख करके किस स्पीड से अपने ट्रिगर को दबाएं और किस स्पीड से एमिंग एरिया की तरफ बढ़ें, तब जाकर के दोनों का मिलन एमिंग एरिया में हो जाए और आपका ट्रिगर वहां पे ब्रेक हो जाए और साइट वहां पे एमिंग एरिया में पहुंच जाए। मान लीजिए कि आपका जहां आपने साइट परफेक्ट की टारगेट की एक की रिंग में ऊपर, वहां से लेकर के ब्लैक के नीचे आने का टाइम है 7 सेकंड, तो आपको अपने ट्रिगर को स्टार्ट कर करके खत्म करने का टाइमिंग भी 7 सेकंड डेवलप करना पड़ेगा। ये दोनों टाइमिंग, ये दोनों चीजें आपकी ऊपर से नीचे आने की स्पीड प्लस आपको ट्रिगर को दबाने की स्पीड, दोनों अगर एमिंग एरिया में आकर के मिल रहे हैं तो आपका शॉट 10 में लग जाएगा। और ये तालमेल अगर नहीं बैठ रहा है आपका, साइट, एमिंग और ट्रिगरिंग, ये तीनों का तालमेल अगर नहीं बैठ रहा है, मान लो कि ट्रिगर की स्पीड ज्यादा हो गई और नीचे आने की स्पीड कम रहेगी, तो आपका ट्रिगर पहले ही ब्रेक हो जाएगा। तो इनका कोऑर्डिनेशन आपको बिठाना पड़ेगा, इनका जो तालमेल है वो बिठाना पड़ेगा। उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी ड्राई के अंदर करनी पड़ेगी, लाइव फायर में ये नहीं हो सकता। पहले ड्राई में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, ड्राई में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया उसके बाद आप लाइव में इस चीज को कर सकते हैं। ये आप घर पे लॉकडाउन के ड्यूरिंग कर सकते हैं। ये आपके सवाल का जवाब। Lovelin, it's good to do more. Is it good to do more than usual? Live show just before the match. Very good question, Lovelin. Match से पहले देखिए कि जब मीठा खाने का competition हो हमारा, कि हमें मीठा खाना है 10 दिन बाद में, तो क्या हम मीठा खा खा के practice करेंगे? नहीं कर सकते। अगर मीठे से पहले ही बोर हो गए तो क्या होगा, जिस दिन कॉम्पिटिशन होगा उस दिन हम मीठा नहीं खा पाएंगे। तो हमने को करना क्या है कि मैच से पहले जितना हो सके ड्राई करें, अपनी एनर्जी बताएं, अपने अंदर जो भूख है एक 10 मारने की या शॉट फायर करने, उस भूख को और बढ़ने दें, उसको बढ़ाएं और ड्राई के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें और डेली का 20-30 शॉट ही फायर करें। जितने भी बड़ा कॉम्पिटिशन आ जाएगा, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज मेरे को बोलेंगे कि आपने हमारे सीक्रेट्स लूज किए हैं। पिछले ओलंपिक के अंदर एक बंदे ने ओलंपिक का मेडल लिया है और उसके कोच ने 1 महीने पहले उसका फायर बंद कर दिया। अपनी ही टीम का शूटर है, इंडियन टीम का शूटर है, और उसने खुद मुझे बताया है। और वो जब उसका फायर बंद कर दिया तो वो कोच पे बहुत गुस्सा हुआ कि नहीं ये तो छोड़ेगा मुझे, ये तो चाहता ही नहीं मेडल लेके आऊं। लेकिन इसका जब रिएक्शन पता चला बाद में कि ये क्यों हुआ और इसका लॉजिक क्या है, तब ये चीज समझ में आई। आप जितना ज्यादा फायर करेंगे उतना ज्यादा फेडअप हो जाएंगे मैच के नजदीक। आप ज्यादा फायर करेंगे तो क्या होगा, पूरी एनर्जी पूरा आप एकदम से एग्जॉस्ट हो गए, आपके अंदर जो भूख थी, जो टेक्निक को परफेक्टली फॉलो करने की जो एक प्यास लगी होती है वो तो खत्म हो गई। आपने 10 खूब मार लिया प्रैक्टिस में, मैच के जस्ट बिफोर आपने खूब शूट कर लिया, तो आप थक गए और आपका दिमाग एकदम शांत था और वो एकदम संतुष्ट हो गया कि नहीं मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और मैंने बहुत अच्छा 10 मार लिया, दैट्स इट। और मैच वाले दिन क्या है, वो भूख नहीं लगी तो फिर क्या करोगे? मैच वाले दिन सही जो आपको एक परफेक्ट साइट के लिए जो लड़ाई लड़नी है वो नहीं लड़ पाए तो क्या होगा? इसलिए मैच से पहले जितना हो सके कम फायर करें। कम फायर इसका मतलब कम प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। देयर इज वेरी गुड, मेरे जो रशियन कोच थे वो कहते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। न्यूज नहीं है इसका मतलब सब ठीक है। तो इसलिए मैच से पहले जितना हो सके कम फायर करें, ड्राई ज्यादा करें और मेंटली इस चीज के बारे में प्लान करें, प्रिपेयर करें अपने आप को कि मुझे मैच में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन सर? थैंक यू ओम प्रकाश सर, मुझे लगता है कि काफी कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन विद यू ऑल। मुझे लगता है सारे पार्टिसिपेंट्स को काफी कुछ नॉलेज मिला होगा, खासकर किस तरीके से प्रेशर सिचुएशन में अपना टेम्परामेंट रखना है, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है जो भी परिस्थिति आए, तो बहुत कुछ